नमस्कार विद्यार्थियों विद्यार्थियों, जो ज्वर है या बुखार जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, इसका सामना हमें कभी ना कभी करना ही पड़ता है शरीर को। अब ये जो बुखार है, अक्सर क्या होता है कि जो मौसम परिवर्तन होता है, यानी कि गर्मी से हम जब सर्दी की तरफ आते हैं या सर्दी से जब हम गर्मी की तरफ जाते हैं, या एकदम से जो टेम्परेचर का गिरावट होती है या एकदम से टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है, इस कारण से शरीर में बुखार जनरली आता है। वैसे तो बुखार आने के कई कारण हो सकते हैं, पाचन तंत्र में खराबी होती है तब भी बुखार आ जाता है, मानसिक तनाव होता है तब भी बुखार आ जाता है, लंग्स में खराबी होती है तब भी खराब हो जाती है, यानी कि कोई भी रोग होता है शरीर में, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी रोग होता है शरीर के अंदर, तब बुखार अवश्य शरीर के अंदर प्रवेश करता है। बुखार से क्या तात्पर्य होता है? हमारे जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तब हम ये कहते हैं कि हमारा शरीर बुखार से ग्रसित है। डॉक्टर्स के अनुसार यदि 100 डिग्री से कम टेम्परेचर है 98.67, तो आप इसको नॉर्मल मानते हुए शरीर की थकावट के कारण, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने के कारण, एक्स वाई जेड किसी भी कारण से आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। परंतु यदि बुखार 100 डिग्री या इससे ऊपर होता है तब आपको चेत जाना चाहिए कि आपके शरीर में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है और आपको मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। बुखार कई कारण से होता है, ये हमने देख ही लिया है। शरीर में कोई भी हल्की सी प्रॉब्लम होती है तो बुखार आना स्वाभाविक ही होता है। अब जो बुखार आता है इसमें शरीर का तापमान जो होता है वह ज्यादा हो जाता है, ये भी हमने समझ लिया। जब शरीर का तापमान ज्यादा होता है तो जो शरीर की उपापचय दर होती है, आधारित उपापचय दर होती है, वह भी ज्यादा हो जाती है। कैसे ज्यादा होती है? एक डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा, यानी कि 98.7 से 99.7 अगर बुखार आया है तब 7% जो आधारित उपापचय की दर होती है वह इंक्रीज हो जाती है। आधारित उपापचय की दर क्या होती है, आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। यहां आपको हम संक्षिप्त में जानकारी देते हैं कि अगर आपकी बॉडी पूरी तरह रेस्ट में है ना, आपका किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तब आपको शरीर को चालू रखने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितनी मिनिमम कैलोरी की आवश्यकता होती है, जितनी मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम आधारित उपापचय की दर कहते हैं। यानी आपका जो बुखार आता है तब आपकी जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है वह एक डिग्री बढ़ने के साथ में 60% तक बढ़ जाती है, ठीक है। अब बुखार के किस प्रकार का होता है? एक होता है हल्का बुखार, एक होता है तीव्र बुखार। हम अभी आपको बताया जब 100 डिग्री से नीचे होता है बुखार तब हम इसको बोलते हैं हल्का बुखार, है ना। 100 डिग्री से ऊपर है ना, 101 डिग्री, 102 डिग्री, 103 डिग्री बुखार जब होता है तब बुखार की जब तीव्रता के हिसाब से हम इसको बोलते हैं कि बुखार का तीव्र बुखार की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, अगर बुखार के प्रकारों को डिवाइड करें तो एक होता है अल्पकालीन बुखार और दूसरा होता है दीर्घकालीन बुखार। अल्पकालीन बुखार क्या होता है? अल्पकालीन बुखार वह बुखार होता है जो अल्प समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। जैसे आपको मौसम बदला तो आपको बुखार आ गया, एक दिन के लिए तो ठंड लगने के कारण बुखार आया, या आपने बहुत तेज गर्मी है और गर्मी में आते ही पानी पी लिया और फिर आपको बुखार आया, खांसी जुकाम हो रहा है उसके कारण से आपको बुखार आ रहा है, तो ये जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो बुखार आता है इस बुखार को हम बोलते हैं अल्पकालीन बुखार। दीर्घकालीन बुखार की बात करें, दीर्घकालीन बुखार वह बुखार होता है जो लंबे समय तक शरीर के अंदर रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं टाइफाइड की, ठीक है, या हम बात करते हैं टीबी की, या हम बात करते हैं कैंसर के कारण कई बार बुखार आ जाता है, ब्लड कैंसर के कारण जो बुखार आ जाता है तो वो लंबे समय तक आपके शरीर में रहता है। ड्यूरेशन अगर लंबा होता है तो इस कारण से जो बुखार आता है इस प्रकार का जो बुखार आता है, इस प्रकार के बुखार को दीर्घकालीन बुखार कहते हैं, यानी टाइम पीरियड के हिसाब से, है ना। डेंगू का फीवर है, ये हमारे शरीर के अंदर 5 दिन 7 दिन, जो वायरल का फीवर है ये 5 दिन 7 दिन रहता है हमारे शरीर के अंदर, तो ये छोटे टाइम पीरियड के लिए रहता है, तो इसको हम बोलते हैं अल्पकालीन बुखार। टाइफाइड है, लंबे समय तक रहता है, तो इसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन बुखार। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमने अभी देखा इसके हमारे शरीर के अंदर जो आधारित बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है वह इंक्रीज हो जाती है। हमारे शरीर को नियमित रूप से गति करने के लिए आपका जो पाचन तंत्र है, आपका जो श्वसन तंत्र है, आपका जो हार्ट तंत्र है, ये जितने भी आपके शरीर को नॉर्मल चलाने के लिए, सुचारू रूप से चालू रखने के लिए जितने भी तंत्र होते हैं,
के जो बेस उनके लिए जो ऊर्जा खर्च होती है उस ऊर्जा की दर जो होती है वह बढ़ जाती है, यानी आपकी बेसिक मेटाबॉलिक की रेट बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है ये? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होने पर 7% तक यह बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रोटीन उपापचय की दर में वृद्धि। ठीक है, शरीर के अंदर प्रोटीन का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का कार्य होता है जो टूट फूट होती है शरीर के अंदर उसको नियमित करना, या तो शरीर का प्रोटीन से हमारे शरीर की कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता है या जो टूट फूट होती है उसको नियमित करना। अब यहाँ पर जब व्यक्ति को बुखार आ रहा होता है, जब रोगी बुखार से पीड़ित होता है, तब निश्चित रूप से शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार की तोड़फोड़ हो रही होती है ना। अब किसी न किसी प्रकार की जब तोड़फोड़ हो रही होती है तब प्रोटीन को की आवश्यकता ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है तो प्रोटीन की उपापचय दर में वृद्धि होती है। हमारे शरीर के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है वह स्टिमुलेट करती है कि आपके जो प्रोटीन है उसको ज्यादा से ज्यादा उपापचय दर हो इसकी। श्वसन क्रिया में वृद्धि, आपने नोट करा होगा यदि बुखार ज्यादा है तो जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना, ज्यादा तेजी से सांस ली जाती है, ज्यादा से तेजी से सांस छोड़ी जाती है, यानी जो श्वसन क्रिया है उसके अंदर भी वृद्धि हो जाती है। मेडिसिन लेते हैं, कई बार बुखार उतर जाता है तो बुखार उतरने के कारण से जो पसीना आता है वह पसीना बहुत अधिक आता है ना, आपने सुना भी होगा, कई बार महसूस भी करा होगा बुखार आने पर। जो बुखार उतरता है जब टेम्परेचर नॉर्मल आता होने लगता है तो बहुत ज्यादा तेज मात्रा में पसीना शरीर के बाहर निकलता है, और ज्यादा होता है तो पाचन संस्थान में भी गड़बड़ी होने लग जाती है। ठीक है, तो ये इसका शरीर के ऊपर इस तरीके से प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं, क्योंकि हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में देखेंगे कि पोषक तत्वों की मांग किस तरीके से की होती है। कैलोरी की बात करते हैं, हम सबसे पहले ऊर्जा की बात करते हैं। कैलोरी, जैसे जैसे बुखार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, कैलोरी की मांग भी उस हिसाब से बढ़ती जाती है। 1 डिग्री जैसे 99.4 डिग्री होगा तब आपकी जो कैलोरी की मांग है वह 7% तक, ध्यान रखिए 7% तक बढ़ जाती है। वहीं अगर बुखार 100.4 होता है तब जो कैलोरी की मांग होती है वह 14% बढ़ जाती है, और यदि बुखार 101.4 होता है तो जो कैलोरी की मांग होती है वह 21% तक बढ़ जाती है, यानी कैलोरी की जो मांग होती है वह बुखार की प्रति डिग्री फ़ारेनहाइट के बढ़ने के साथ में 7% तक बढ़ती जाती है। हर डिग्री बढ़ेगा, हर बार 7% बढ़ जाएगी, यानी कि 7, 14, 21, 28 इस तरीके से जो कैलोरी की मांग होती है वह बढ़ती जाती है। जितना नॉर्मल चाहिए उससे 7% ज्यादा, जितना नॉर्मल चाहिए उससे 14% ज्यादा, जितना नॉर्मल चाहिए उससे 21% ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि श्वसन क्रिया में तेजी हो जाती है, बीएमआर में बढ़ावट हो जाती है, प्रोटीन उपापचय की दर में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि इन सब में वृद्धि हो जाती है तो शरीर को नॉर्मलाइज करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? कैलोरी की ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की मांग 50% तक बढ़ जाती है। अब प्रोटीन की मांग क्यों बढ़ जाती है 50% तक? वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपके शरीर में कहीं टूट फूट हो रही होती है, आपके शरीर में संक्रमण प्रवेश कर चुका होता है, और इस संक्रमण से लड़ने के लिए आपकी जो WBC है, आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल है, वह लड़ाई कर रहे होते हैं। अब संक्रमण बढ़ रहा है, व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या होता है कि ये इन दोनों की आपस में फाइट होती है। कुछ आपके व्हाइट ब्लड सेल की लड़ाई में मरेंगे, कुछ जो संक्रमण है वो आपकी लड़ाई में मरेगा। तो जो ये लड़ाई होती है निश्चित है इस बात का कि टूट फूट आपके शरीर में होगी, है ना। अब इस टूट फूट को हो जाती है तो इस टूट फूट को ठीक करने के लिए, कोशिकाओं के रिपेयर करने के लिए, नई कोशिकाओं के निर्माण हेतु प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। और प्रोटीन भी कैसे चाहिए होता है? उत्तम गुणवत्ता। उत्तम गुणवत्ता वाला क्या होता है? आपका जो पनीर होता है वह उत्तम गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है, आपके जो रसगुल्ले होते हैं वह उत्तम गुणवत्ता वाले होते हैं, और उच्च जैविक मूल्य जिसके अंदर की जो प्रोटीन होता है वह अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है।
कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, जब हम बुखार से पीड़ित होते हैं या जब रोगी बुखार से पीड़ित होता है तब उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों ऊर्जा की आवश्यकता होती है? क्योंकि हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होती है वह इंक्रीज हो जाती है। किस हिसाब से इंक्रीज होती है? हर प्रति डिग्री के हिसाब से 7% तक इंक्रीज होती है ना। अब चूंकि अधिक आवश्यकता हमारी ऊर्जा की होती है, हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ रहा होता है, उसको डिग्रीज रखने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की भी अधिक आवश्यकता होती है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है वो ग्लूकोज और सुक्रोज के रूप में दिया जाता है, यानी लिक्विड दिया जाता है, है ना। जितना क्योंकि इस समय क्या होता है बच्चों कि खाना खाने की जो पाचन तंत्र में जो गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है, इस पाचन तंत्र संस्थान की जो गड़बड़ियां के कारण से भूख की कमी महसूस होने लग जाती है। भूख की कमी महसूस होती है परंतु शरीर के डिमांड इंक्रीज होती है ना। पाचन संस्थाओं में गड़बड़ हुई, एक आप ये देखो हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड होती है हमारे शरीर में। पाचन संस्था में गड़बड़ हुई, भूख की कमी हुई परंतु हमारी जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है वो इंक्रीज होती है। अब बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है तो हमें किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है? कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा आवश्यकता है। अब इस कार्बोहाइड्रेट्स को हम लिक्विड रूप में देना पसंद करते हैं या लिक्विड रूप में देना ज्यादा देना चाहिए, जो कि ग्लूकोज और सुक्रोज की मात्रा में ज्यादा देना चाहिए। ग्लूकोज और सुक्रोज के रूप में अगर ज्यादा दिया जाता है तो उसको जो पाचन संस्थान है वो डायरेक्ट उसको ब्लड है जो डायरेक्ट उसको एब्जॉर्व कर लेता है हमारे शरीर के अंदर और इसकी जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट के साथ में वह उसका समायोजन आसानी से हो जाता है। वसा रहित भोजन देना चाहिए। ऑब्वियसली हम बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका असर हमारे पाचन संस्थान पे पड़ता है। अब चूंकि पाचन संस्था पे असर आ रहा है, पाचन संस्था को भी आराम देना है, श्वसन तंत्र जो है वो अपने आप इंक्रीज, उसकी जो दर है वो अपने आप इंक्रीज हो रही है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट अपने आप इंक्रीज हो रही है, तो हमें क्या करना है? हमें पाचन तंत्र जो है, पाचन संस्थान है हमारी, उसको हमें कुछ आराम देना है। इस कारण से हमें वसा रहित जो भोजन है या कम वसा युक्त भोजन होता है उसका उपयोग भोजन में करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम कैल्शियम और पोटेशियम की। क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो और जो आपका जो पोटेशियम होता है वह पसीने के रूप में निष्कासित होता है ना। हमने आपको ये बताया अभी कि इस समय अधिक पसीना निकलता है जब बुखार कम हो रहा होता है, टेम्परेचर शरीर का नॉर्मलाइज की तरफ जा रहा होता है, बुखार हल्का होने लगता है तब पसीना अधिक निकलता है। पसीना अधिक निकलने का मतलब ये होता है कि शरीर से सोडियम क्लोराइड और जो पोटेशियम होता है उस पोटेशियम की मात्रा शरीर से बाहर निकल रही है। शरीर से पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम की मात्रा बाहर निकल रही से क्या मतलब है? इसकी कमी हमारे शरीर में हो रही है, साफ सा मतलब है इसमें, है ना। तो अब आप इस बात को साफ अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जब ये दोनों चीजें कम हो रही है तो हमें इसकी मात्रा को शरीर में बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाई जाती है? थोड़ा सा नमक शक्कर का घोल दे दीजिए। हमने ग्लूकोज का डाला है उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए। क्योंकि क्या होता है, अगर अधिक तेज बुखार होता है और तेज बुखार होने के बाद एकदम से जो डिक्रीज होता है तो जो सोडियम लेवल जो कम हो एकदम से कम हो जाता है, और सोडियम लेवल कम होने का मतलब होता है शरीर के जो नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डालना, है ना। तो शरीर को ग्लूकोज की और जो सोडियम होता है उसकी ज्यादा आवश्यकता होती है टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की ज्यादा आवश्यकता होती है। जितना जल आप पीते हैं आपके डेली यूज में उससे 2.5 से 5 लीटर तक जितना बुखार है, जितना शरीर की स्थिति है, जो व्यक्ति की उम्र है, लिंग के हिसाब से 2.5 से 5 लीटर अधिक जल को रोगी को पिलाना चाहिए। पॉइंट्स आप ध्यान रखिए कि ये नहीं कि आप हर व्यक्ति को 5 लीटर जल पिला दें। जो व्यक्ति देखना चाहिए कि किस उम्र का है, वृद्धावस्था है, शिशु अवस्था है, किशोरावस्था है, बुखार कब से है, दीर्घकालीन है, अल्पकालीन है, उसके पाचन संस्थान में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये लड़का है, लड़की है, ये सब बातें हमें देखकर ही
2.5 से 5 लीटर तक का जल की मात्रा देनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन ए और विटामिन सी। विटामिन सी का क्या रोल होता है? हमारी जो इम्यूनिटी पावर होता है उसको इंक्रीज करना होता है ना। तो इस समय आपको विटामिन ए और विटामिन सी की जो मात्रा होती है वह मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए। और शरीर का ताप नियंत्रक, ताप नियंत्रक मतलब शरीर के अंदर जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, डेट इज 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए विटामिन B1 और B2 जो होते हैं वो एक अहम रोल प्ले करते हैं। चूंकि ये एक अहम रोल प्ले करते हैं अतः है ना, अतः इनका जो शरीर के अंदर आप इनटेक होना चाहिए, जो शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं हम भोजन के द्वारा, वह ज्यादा लेना चाहिए ताकि इसकी कमी ना आए। और इसकी कमी नहीं आएगी तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों कई बार क्या होता है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरी तरीके से आप थेरेपेटिक न्यूट्रिशन पर डिपेंड रहे, परंतु आप डॉक्टर की दवाई के साथ में रोगी को थेरेपेटिक न्यूट्रिशन देके पोषक तत्वों का ध्यान में रखते हैं तो रोगी जो होता है वह जल्दी, उसकी ठीक होने की संभावनाएं जो होती हैं वह बढ़ जाती हैं, है ना। तो थेरेपेटिक न्यूट्रिशन इस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जो रोगियों को आप दे सकते हैं और हमें देना भी चाहिए, क्योंकि आप होम साइंटिस्ट हैं तो आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए, आपको पूर्णतः नॉलेज होनी चाहिए कि यदि व्यक्ति रोगी है और आप उसको ध्यान रखना है तो एक खान पान के द्वारा अलग से रोगी का ध्यान रखते हुए रोग को आप ठीक करने में उसकी मदद कर सकते हैं।